जब मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है, एंड आई थिंक दैट कि आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर डायबिटीज़ बिकॉज मेरे को तो भी बहुत कुछ करना है, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि इसे बचने का रास्ता ढूंढना है, लाइफ टाइम लॉन्ग पीरियड तक मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रहना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव माई नॉर्मल लाइफ। मेरा नाम संदीप है और आई एम अ डांस टीचर। मुझे डायबिटीज़ हुआ था और मैंने 6 महीने के अंदर इसे रिवर्स कर दिया। 36-year-old Sandeep did what most people can't even think of. Reversing or remission of type 2 diabetes within a span of few months. Sandeep was detected with full-blown diabetes on April 13, 2021. His HbA1c levels or average blood glucose levels over a period of 3 months were touching 12.4. A governing factor of how severe is the level of your diabetes. Level of his blood sugar fasting and PP, 2-hour postprandial test, were both way beyond the set marks. तो मुझे पहले तो ये लगा कि मुझे हो कैसे गया, because मैं physically बहुत workout करता था, dance करता था, but never know कि dance और इतनी exercise करने के बाद भी ऐसे कुछ diseases हो सकती हैं. बिकॉज अभी ये जो पहले 2 साल का कोविड का लॉकडाउन का जो टाइम गया था, उसमें हम लोग इतना ज़्यादा फिजिकली वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। हमारा सारा का सारा काम जो था वो लैपटॉप पर शिफ्ट हो गया था। रात रात भर जाग के हमने काम किया, 3-3, 4-4 बजे तक काम किया। तो आई थिंक वो जो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ, उससे सिम्टम ज़्यादा तेज़ जो है वो बिगड़े और फिर मुझे जल्दी ही चेकअप कराना पड़ा। With no family history, it was shocking and surprising for Sandeep. However, the very day he found out about it, he decided to take it head on for. Walk like a jogging, you can say, and I'll cover at least 4 kilometers per day. And उसके बाद मैं फिर मैं घर पर आके काफी सारे अपने stomach crunches जो मेरे exercises हैं, वो follow करता था। उसके बाद में डाइट प्लान में चेंजेस ये थे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मीठा तो मैंने बिल्कुल बंद ही कर दिया था और कार्बोहाइड्रेट मैंने बहुत कम कर दिया था, चावल एकदम ख़त्म कर दिया था अपने फूड से। ब्राउन राइस को मैं कभी कभी ले लिया करता था, जैसे कि चपाती है तो चपाती में जो है क्या कहते हैं उसे, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करता था, तो मल्टीग्रेन आटे की चपाती मैं खाया करता था, वो भी 2 सुबह और 2 शाम को। तो इसी तरह से बस मैंने लाइफ को थोड़ा, मतलब कि फूड को थोड़ा कंट्रोल किया, बाहर की चीज़ें एकदम बंद कर दी खाना और घर का ही खाना खाता था। घर का तो मैं खाना अभी भी खाता हूँ, बाहर का तो मैंने अब शुरू कर दिया है थोड़ा सा, बिकॉज समवेयर आई नो दैट कि यस आई कैन लिव विद दैट। संदीप नोज ही इज नॉट क्योर्ड, बट विद अ डेडिकेटेड रूटीन एंड चेंज इन लाइफस्टाइल ही हैज थिंग्स अंडर कंट्रोल। आई फील गुड, आई फील एनर्जेटिक, आई फील एनर्जेटिक, आई फील गुड, because when I was living with these symptoms, तो बहुत जल्दी मैं मतलब tiredness फील करता था, तो अब ऐसा नहीं है और I get the compliments also that I look young now, everyone giving me compliments and it's good, all these words are inspiring for me, मुझे सुन के अच्छा लगता है and I feel motivated कि अब इस lifestyle को जो मैंने शुरू किया है, I want to now live with this lifestyle. It's been 7 months since Sandeep was diagnosed with type 2 diabetes. He successfully overcome it and almost reversed the silent killer of diabetes. Earlier, he checked his levels on the glucometer every alternate day, but now it's once a week. Even if he does it randomly, the results bring a smile to his face. A TOI online report.